हो क्या? छेद के अंदर से खरगोश आएगा। हाँ, सब हो गया। हाँ? अभी भी कुछ कमी लग रही है। हाँ, अब मैं झूला झूल सकता हूँ। सोचता हूँ कि महाराज कैसे होंगे। बाबू जल्दी। महाराज महाराज रुकिए, रुकिए मेरे लिए। महाराज, महाराज, ओ, मुझे अकेला मत छोड़िए, मुझे छोड़कर मत जाइए। महाराज रुकिए, ये तो बस एक सपना था। आशा करता हूँ कि महाराज ठीक होंगे, लेकिन क्या वो अपना ख्याल रख पाएंगे? उनके लिए खाना कौन बनाता होगा? उन्हें लोरियां कौन सुनाता होगा? महाराज की याद आ रही है। तो ये घटना घटी थी और अब मैं गुस्सा हूँ। बात यह है कि मुझे लगता है तुम इस बार गलत हो रहे हो। क्यों? क्या मतलब? क्या तुम बाबू का अपना दोस्त नहीं मानता है? हाँ मानता हूँ बिल्कुल। फिर तुम अपने दोस्त का दिल ऐसे कैसे दुखा सकते हो? लेकिन मैं वो दोस्त तो एक दूसरे की इज्जत करते हैं। अगर तुम बाबू के लिए वैसा कुछ बनाते हैं और बाबू कुछ सोचे समझे बिना उसको फेंक देते हो, तुम्हें कैसा लगता? सही बात है, उसकी हिम्मत नहीं होती। मैं क्या कर सकता हूँ अगर तुम्हें कोई परवाह नहीं? दरअसल वो हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? अरे नहीं जाओ, कैसा लगेगा अगर हम खास डांस करके दिखाए तो? क्या बोल जाओ तुम? ठीक है कुछ और? एक गाना गाएंगे? ठीक है शुक्रिया, लेकिन हम एक तरकीब ढूंढ रहे हैं। तो गाना भी नहीं गा सकते? ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? मिल गया मुझे। खाने के बारे में क्या ख्याल है? सच में जरा सोचो उस बारे में। तुम उसके लिए स्वादिष्ट खाना बनाओ, फिर वो तुम्हें माफ कर जाएगा। मैं समझ गया हूँ कि तुम भूखे हो। डब्लू, तुम कभी खाना और खेलना छोड़ के और कुछ सो सकते हो? ये गंभीर बात है, समझे? मुझे भी लगता है खाने से काम हो जाएगा। घर पे बना खाने के बारे में क्या ख्याल है? घर पे बना खाना? जरूर, तुम अपने हाथों से बाबू के लिए कुछ खाना पकाओगे और वो समझ जाएगा कि तुम उसे कितना चाहते हो। मैं तुम लोगों से सहमत हूँ। लगा के बच्चे, मुझे लगता है घर का खाना सही में बेमिसाल होता है। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? या कहीं तुम्हारी कोई चाल चल आई? अरे शांति रखो, मेरी बात तो सुनो तुम लोग। मैं अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने आया हूँ। तुम्हारी गलतियाँ? दरअसल हाँ वो तो है, इस कहानी में दरअसल मेरा ही हाथ है। मैं बाबू का खाना खा गया, वो तो रंजो के लिए बना था। मैं माफी मांगने आया हूँ और इसकी भरपाई भी करना चाहता हूँ। मैं तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा किचन इस्तेमाल करो। माफ करना, लेकिन मुझे लगता है लखा मदद करने आया है। हाँ लखा जरूरतमंद लोगों की मदद करता है और खाना भी चाहता है थोड़ा सा। रंजो तुम ठीक हो? दोस्तों देखते हैं, मेरे पास एक तरकीब है। तुम दोनों भालू अगर उस बंदर को ढूंढ के लाओगे तो। क्या? बात ऐसी है कि मुझे चिंता है कि बाबू शायद कहीं जोर जोर से रो सकता है। ये गंदा है, हाँ? जरा उसे ढूंढ के लाओ। ठीक है, हम उसे ढूंढ लाएंगे। अच्छा, और जब तुम्हें वो मिल जाएगा तुम उस पर नजर रखोगे, ठीक है? वो पागल है। चलो लखा, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हाँ मैं आ रहा हूँ। रेंजो अपना आवेगा, चल चुपता है भाई। हाँ भाई चलो अब बाबू को ढूंढते हैं। वाह, ये हरे घास वाली जमीन तो वाकई सुंदर है, मुझे बहुत पसंद आया। तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? गर्मियों में मजे करने के लिए तो घास सबसे सुंदर होती है। कभी सीधे तरीके से बात नहीं कर सकता? मैं थोड़ा सहनशील बनने की कोशिश कर रहा हूँ लखा।
मैं सेब छीलूंगा। ठीक है, अब गाजर काटूंगा। फिर थोड़ा मसाला डालूंगा। क्या कमाल की खुशबू है, हो गया। मैंने कभी महाराज के साथ ऐसे लड़ाई नहीं की। मैं ये क्या कर रहा हूँ, महाराज मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे माफी मांग लूंगा। खाने के लिए तैयार। अरे वाह क्या बात है, मैं सोच रहा था। पीछे हटो, ये बाबू के लिए है, लक्खा के लिए नहीं। अरे रुको, इतने गंदे भी मत बनो, बस थोड़ा सा चखने के तो दे दो, बाबू को पता नहीं चलेगा। मैंने राजा, 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 तुम वापस आ गए। बाबू कहाँ है, वो कहाँ है, वो तुम्हें नहीं मिला। तुमने जहाँ बताया था हमने वो सारी जगह देख लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिला, क्या करा है। बाबू तो ये सच है, वो सच में चला गया, उसने ठान लिया है मेरे साथ और दोस्ती नहीं रखेगा, वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। अभी ऐसा मत सोचो, हाँ शायद बाबू घर चला गया होगा, है ना डब्लू। सही बात है, अंधेरा हो चुका है और शायद घर चला गया है। ओ सच में, नहीं मैं हार नहीं मानूंगा। बाबू बाबू बाबू, वो तो यहाँ नहीं है, वो घर पर क्यों नहीं आया, वो जरूर बहुत गुस्से में है, मैं दोष नहीं दे सकता, मैं गंदा राजा हूँ। मुझे पता है वो करेगा, तुम उसके सबसे अच्छे दोस्त हो और तुम्हारी परवाह करता है, मुझे पता है वो तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। सच्ची, आराम से रंचो, डब्लू सही है। फिर वो बंदर कहाँ है, उसे अंधेरे में बाहर रहना पसंद नहीं, शायद वो किसी मुसीबत में है, मैं जाऊंगा उसे ढूंढने के लिए। कोई है वहाँ, मुझे कोई बचाओ, कोई बचाओ मुझे, मुझे भूख लगी है। क्या महाराज को मेरी कोई भी परवाह नहीं है। बाबू बाबू बाबू, हे बाबू बाबू बाबू, मैं यहाँ हूँ बाबू, ये तो बाबू है, बाबू आ रहे हैं, वो कहाँ हो सकता है, सोचो सोचो कहाँ हो सकता है। हाँ रुको, मैं आ रहा हूँ। ये मेरे बच गया है। बाबू कैसा, जल्दी से ऊपर आ जाओ। ओ महाराज, बाबू ये मेरी गलती है, कृपया मुझे माफ कर दो, तुमने जो खाना दिया था वो मुझे फेंकना नहीं चाहिए था, माफ कर दो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ बाबू। मैंने तो बहुत पहले ही आपको माफ कर दिया। क्या है? अरे ये बस कुछ भी नहीं, मैंने ही तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। हाँ? आपने ये सब मेरे लिए बनाया है? तुम लोग सच में मेरे अच्छे दोस्त हो। खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। आ, आ,
ये तो बहुत बड़ा डब्बा है, पता नहीं इसमें मम्मी ने मेरे लिए क्या भेजा होगा। अरे वाह, देवदार का बादाम, कमाल की खुशबू है। हाँ, एक सेकेंड, कहीं से खुशबू आ रही है। देवदार के बादाम, अरे वाह। हेलो मम्मी, जो आपने देवदार के बादाम भेजे थे मुझे मिल गए, वो सच में बहुत स्वादिष्ट है। अरे वाह, यहाँ तो वैसा कुछ मिलता ही नहीं है मुझे। अनोखा विदेशी बादाम। अरे यार, मैंने कुछ सुना, बाद में बात करता हूँ, ठीक है? बहुत स्वादिष्ट है सच में। कौन है वाह? सच में इनका जवाब नहीं। तुम्हें क्या लगता है क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? मेरे बादाम खाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मुझे जाने दो प्लीज। लखा, क्या दूसरे बादाम के बदले मैं देवदार का बादाम ले सकती हूँ? अरे नहीं, मैं इसे हार नहीं मान सकती। वो डिब्बा कहाँ चला गया? तुम्हें अभी भी मेरे देवदार का बादाम चाहिए? मैंने उन्हें छुपा दिया और ताला लगा दिया, तो तुम उसके बारे में भूल सकते हो। लखा, ओह नहीं, मैं फिर भी हार नहीं मानूंगी। जाने दो मुझे, मैंने पहले ही बता दिया तुम्हें, एक भी देवदार का बादाम नहीं दूंगा तुम्हें। मानो, मुझे बस कुछ वो मेरी मम्मी ने मेरे लिए भेजे है, भागो यहाँ से। लखा, तुम्हें जो चाहिए। ये क्या हो रहा है? हाँ, लगता है चिंटू लखा के पैर में चिपकता है। वो तो देख रहा हूँ, लेकिन क्यों? मैं तुम्हारे साथ लेन देन नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आता जब मैं तुम्हें ना बोलता हूँ तो? मुझे बस कुछ ही चाहिए। लखा के बच्चे, क्या चल रहा है यहाँ पे? हेलो मेरे यारो, अरे अरे चलो यार, इसको मेरे पैर से हटा लो यार। तुमने चिंटू के साथ क्या किया है बोलो? अरे मैंने कुछ नहीं किया, तुम लोग अंधे हो क्या? अरे मेरा पैर छोड़ो। हाँ फिर तो तुमने जरूर कुछ किया है, अब अच्छा होगा कि तुम हमें सब कुछ सच बता दो, नहीं तो मुझे धमकी देने की कोशिश मत करो। एक पानी वाली बंदूक। अरे भाग कर रहे हो, अरे ऐसे मेरे पैर से हटाओ तो सही। देवदार का बादाम मुझे दे दो लखा। कितना परेशान करते हो। लखा के बच्चे, तुम तो बिल्कुल लक्ष्य भेद नहीं कर सकते। तुम कैसे चूक सकते हो, हम लोग तो यही बैठे हैं। क्या कहा तुमने? तुम दोनों क्या अंधे हो या पागल हो? ये जब मेरे पैर से चिपका हुआ है तो मैं तो चूकूंगा ही ना। ऐसे बहाने मत बनाओ, समझे? निशानेबाजी का मजाक क्यों उड़ा रहे हो? अच्छा ठीक है, फिर एक प्रतियोगिता के बारे में क्या ख्याल है? ठीक है फिर। कुछ नहीं, हम सुनो, अगर तुम हारे चिंटू को छोड़ना होगा। वही तो मुझे चाहिए। सही है बबलू, मुझे लखा से देवदार का बादाम लेना है। लेकिन चिंटू, तुम्हें क्या बस इतना ही चाहिए? बोलो। ठीक है, तो अगर लखा हारता है, चिंटू को मिलता है बादाम, ठीक है? क्या कहा तुमने? वो देवदार के बादाम मेरे गांव से आए हैं, उससे मेरी भावनाएं जुड़ी हैं। अरे आप ऐसा भी मत करो लखा, देखो अगर हम हार जाएंगे तो तुम्हें बहुत सी खास शायद मिलेगा जो भाई ने बहुत सालों से बचा के रखा है। डब्लू, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अगर वो सच में उतना ही खास है तो जरूर बहुत महंगा भी होगा। करना कितना कठिन काम था। मैं राजी हूँ। बबलू चलो शुरू करो, प्रतियोगिता में मजा आएगा। इतने भी घंटे मत बोलो, हम सब ये चिंटू की मदद के लिए कर रहे हैं ना। अच्छा अब हम प्रतियोगिता में भाग लेंगे। ये लो। वाह। ये मेरा खिलौना बंदूक और कुछ चिपकने वाली गोलियां हैं, ठीक है? तुम इससे अभ्यास कर सकते हो। सही है, प्रतियोगिता के लिए 3 दिन बाद मिलेंगे लखा, भूलना मत। मिलते हैं। भाई तुम तो यो लग रहे हो, मैं जाके तुम्हारे लिए सेव रख के आता हूँ। कैसा है ये? दरअसल भाई भाई मुझे लगता है कि हमें लखा को शायद दे देना चाहिए। क्या क्या तुम मजाक कर रहे हो? भले उसे मुझे हराना होगा लेकिन असल में तुम एक भी सेव को नहीं मार पाए भाई। आज ये असंभव है, समझे? मैं विश्वास नहीं करता, समझ गए तुम? नहीं, हम लखा को हरा नहीं सकते है भाई। क्या बोलते हो तुम, हम ये सेव खा जाए? खराब करने की जरूरत आई है भाई? क्या है? वो सेव मेरा निशाना है, कोई खाना नहीं, समझ गया तुम?
भाई क्यों नहीं? भाई तुम तो बेकार हो, समझे? तुम्हें सच में लगता है मैं हार जाऊंगा? तुम जाओ ले दो, तुम्हें इसमें ध्यान देना है। हाँ मैंने कर दिखाया। डब्लू देखा तुमने वो? बोलो अब बताओ, अब तुम्हें लगता है मैं हार जाऊंगा? भाई तुम से उनको मार पाए क्योंकि मैं जीता। अगर मैं वैसा नहीं कर रहा तुम्हारा निशाना चूक जाता था। हाँ? तुम्हारी बारी। हाँ? अरे नहीं 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 नहीं, मैं बेकार हूँ, मेरा निशाना कंधा है, समझा? ठीक है ठीक है। भाई लगता है वो बहुत दूर है, मैं थोड़ा नजदीक जा सकता हूँ? बोलो भाई। अभी नहीं, समझे छोटे? अगर तुम उस दूरी से सेब पे निशाना नहीं लगा सकते हो तो कोई मौका नहीं मिलेगा तुम्हें, समझ गए? मैं इतनी दूरी से सेब पे कैसे निशाना लगा सकता हूँ? हाँ ठीक है फिर, मैं जैसे चाहे गोली मार सकता हूँ। देखा तुमने, जितना दिखता है उतना आसान नहीं है। लगता है मुझसे दो निशाना चूक गया। क्या तुमने एक मारा? नहीं तुमने तो छह मारा। लगता है मैं बुड्ढा हो रहा हूँ डब्लू, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तुम तो इसमें माहिर हो, मैं तुम्हें अभ्यास करने में मदद करूंगा और हम चिंटू के लिए बादाम लेके आएंगे। अरे मेरी किस्मत अच्छी थी इसलिए हो गया, मुझे नहीं लगता मैं जीत पाऊंगा। मैंने ये ठान लिया है, लेकिन मैं ठीक है। इतने सारे देवदार के बादाम, मैं कितनी खुश हूँ। बादाम बादाम बादाम। सुना तुमने, इतने कम समय में तुम सो कैसे जाते हो? बोलो। इस छोटे से बंदूक में ज्यादा गोलियां होती नहीं है। मैंने लखा से कहा था कि उसके अभ्यास में मदद करूंगी। देवदार का बादाम तुम्हें चाहिए क्या? बदले में वो मुझे कुछ देवदार के बादाम देगा, लेकिन मैं तो यहाँ सवेरे से खड़ी हूँ, ये कब खत्म करेगा? ठीक है चलो भी सीधे खड़े रहो, निशाना कर रहा हूँ, तैयार हो जाओ। लग गया निशाना। म्याओ। ये कैसे हो गया? मैं निशाना चूक कैसे गया? ये तो हो नहीं सकता। मुझे पता है तुम अगला वाला जरूर मारोगे, हार मत मानो। तो तुम्हें लगता है कि बाबू हिल रहा है ना? मैं भी सहमत हूँ मेरे बिल्ले। मुझे अब दोष मत दो, निशाना तुम्हें ही लगाना नहीं आता, मैं चली। तुम ऐसे नहीं जा सकते, नहीं तो तुम्हें कोई बादाम नहीं मिलेगा। लखा मैंने इरादा बदल लिया है, चलो निशाना लगाओ। आखिरी गोले। रुको रुको अभी नहीं। अरे वाह लखा, तुम तो अच्छे निशानेबाज हो। सच कह रही हूँ। अरे यार, अरे मेरे जिंदगी का सबसे अच्छा दिन। अरे भाई, बहुत अच्छा निशाना मारा। नाटक नहीं कर सकते। मुझे बता था तुम मेरे लिए बहुत खुश हो, है ना? चलो थोड़ा और अभ्यास करते हैं, फिर से एक बार पक्का निशाना। क्या कहा? हाँ बढ़िया था, मुझे विश्वास नहीं हो रहा मैं कितना अच्छा हूँ। कमाल है, ये ले थके हुए चिंटू, आज हम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। उन दो गंदे भालुओं को हराने के बाद मैं तुम्हें और देवदार के बादाम दूंगा। मैं सोचती हूँ लखा के जीतने से मुझे ज्यादा देवदार के बादाम मिलेंगे या हारने से? प्रतियोगिता तो कल है, तुम्हें लगता है कि तुम तैयार हो? तुम जीत सकते हो। हम जरूर जीतेंगे। डब्लू को तो देखो जरा, मैंने कभी नहीं देखा इतना आत्मविश्वास से भरा हुआ डब्लू, देखो। मैं क्या तुम्हें सेव दिखता हूँ? मैं थोड़ा चौंक गया, तुम्हारा निशाना इतना दूर पे क्यों था? रेंचो, ये खाने के लिए नहीं है, समझे तुम? शांति रखो, शांति रखो भाई। अच्छा तुम्हारा केला इस्तेमाल करूंगा तो कैसा रहेगा?
देवियो क्या हो गया? चलो देवियो सज्जनो, क्या आप लोग तैयार हैं? डब्ल्यू जी तुम्हारी होगी। चलो भाई लगे रहो। मुझे ये खेल जीत कर महंगा शायद हासिल करना होगा। प्रतियोगियों, क्या तुम शुरू करने के लिए तैयार हो? डब्ल्यू डब्ल्यू तुम ये क्या कर रहे हो? ये दौड़ना नहीं है। ठीक है, हमारे शुरू करने से पहले दोनों प्रतियोगी कुछ शब्द बोलेंगे। देखा, मैंने बोला था ना तुम गंदे वालों मुझे कभी हरा नहीं सकते। फिर भी तुम ही जाओ पाया। इस खेल में मैं लक्का को पूरी तरह से हराऊंगा, हरा के रहूंगा। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं कर सकते। जाओ डब्लू, तुम ही जीतोगे आज। तुम जीतोगे डब्लू। मुझे बचा लीजिए। ठीक है, चलो फिर से शुरू करते, देखते हैं आखिरी बाजी कौन ले जाता है। और अब मैं तुम दोनों को नियम समझाऊंगा। हर एक प्रतियोगी के सामने 10 सेव रखा हुआ है। जो भी पहले उन सेवों को मारेगा वो विजेता घोषित किया जाएगा। ठीक है, दोनों प्रतियोगी निशाने पे आओ। शुक्रिया मेरा भाई। बहुत मजा आया। मुझे भी पता है कि कैसे कसरत करते हैं, समझा तुम? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। प्रतियोगी तैयार हो? मैं तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। लक्खा बिल्कुल एक हीरो है, जरा देखो तो उसे। उसे पता है निशाना कैसे लगाते, इसलिए उत्साह के साथ हंस रहा है। मुझे पता है वो जीतेगा। अरे डब्लू को मत बोलो, वो भी कोई डरा हुआ नहीं है और उसका निशाना भी पक्का है, समझे? तैयार। लक्खा ने चैंपियन की तरह एक गोली चलाई है। अरे उसका निशाना चूक गया। इधर लगता है डब्लू का निशाना भी कुछ ठीक नहीं है। कम से कम डब्लू करीब तो था, लक्का तो मिलो दूर निशाना लगाया है, देख लो। असली बात, दोनों निशाने चूक गए और लक्का कम से कम उसमें उत्साह तो था। जो भी हो, डब्लू उसके मुकाबले कुछ नहीं है। अरे ये निशानेबाजी की प्रतियोगिता है, कोई सौंदर्य प्रतियोगिता नहीं। हाँ समझे तुम? इस बार डब्लू ही सबसे ज्यादा सुंदर दिख रहा है। किसकी तुलना में? वहाँ देखो, डब्लू निशाने के बहुत ही करीब है, समझ गए तुम? लक्का भी करीब है। दरअसल अब दोनों प्रतियोगी 10-10 गोली मार चुके हैं और हर एक गोली निशाने से चूक गई है। अब हमें बराबरी को तोड़ने के लिए कुछ करना होगा, और जब वैसा कुछ होगा मुझे लगता है डब्लू जरूर ये खेल हार जाएगा। मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारी यह गंदी बात बिल्कुल बेकार है। रुको और देखो। ठीक है ठीक है ठीक है, हम वो भाष्यकारों को थोड़ी छुट्टी चाहिए। चलो भी बिल्ले आ जाओ। डब्लू थोड़ा पानी पी लो, लो। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा बाबू। मैं तुम्हें थोड़ा मसाज कर देता हूँ। गधा कहीं का, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। शुक्रिया बिल्ला, मेरा चालाक बिल्ला। ये लो, मैं भी तुम्हें थोड़ा मसाज कर देता हूँ। ये आसान है, बहुत ही आसान। ये तुम्हें आसान लगता है? हाँ मैं ये भी कर सकता हूँ। अरे मुझे मसाज दे रहे हो या मेरी धुलाई कर रहे हो? ठीक है, आराम का समय खत्म हो गया। और देख के लगता है हमारे प्रतियोगी फिर से तैयार, हमारी जंग फिर से शुरू होने वाली है। लक्का कुछ ज्यादा ही मस्ती में लग रहा है। डब्लू और निश्चिंत दिख रहा है, उसमें आत्मविश्वास झलक रहा है, जैसा हमने पहले भी देखा है। देखो डब्लू, हे डब्लू, एक मिनट के लिए यहाँ आओ। क्या बात है बाबा? डब्लू
तुम्हारा निशाना काफी नीचे है, इसलिए तुम्हारी गोली बहुत पहले जमीन पर गिर रही है। ऊपर निशाना लगा, ऊपर। उस गंदे भालू को उस बाबू की बात तो सुननी नहीं चाहिए। हम लोग खेल खेलने वाले हैं कि नहीं? याद रखना। हाँ, मैं कोशिश करूंगा। तैयार, शुरू करो। और लखा ने एक गोली चलाई, ये निशाने पे जरूर लगेगा। लेकिन अफसोस, उसने काफी ऊपर मारा है। जरा देखो उसे, लखा ने 8 सेब पे निशाना लगाया है। लगता है स्किल में वही जीतने वाला है। देखो उधर, डब्लू ने भी 8 सेब पे मारा है। डब्लू के पास 4 गोली बचे हैं और लखा के पास है, वाह, उसके पास ही 4 गोलियां हैं। देख के लगता है खेल बराबर हो गया। अब जो भी पहले दोनों सेब पे मारेगा वो ही जीत जाएगा। अगर मुझे बाजी लगानी है, मैं बोलूंगा डब्लू ही जीतेगा। आत्मविश्वास लग रहा है उसमें। देखते हैं कितनी देर ऐसे ही मुस्कुराता रहेगा। ओए सुन चिंडो, हमारे लिए थोड़ा नाच के दिखाओ। मैं और नाच? चलो भी, तुम्हें कुछ देवदार का बादाम चाहिए कि नहीं? देवदार के बादाम? हाँ हाँ, मैं नाचूंगी, मैं नाचूंगी। चिंटू, लगा तुमने चिंटू के साथ क्या किया है बोलो? मैंने नहीं किया, ये तो नृत्य का जादू है। मैं तो देवदार के बादाम के लिए कुछ भी करूंगी। हाँ चलो यार, तुम कहीं डर तो नहीं गए ना? हमारे पास पूरा दिन नहीं है। नहीं, कहीं डर मत जाओ। एक और। क्या? अरे नहीं। मैं चुक गया। डब्लू, तुम्हारा आत्मविश्वास खत्म हो गया क्या? तुम्हारे पास अब और 3 गोलियां बची हैं। अब ध्यान भटकने मत देना। टकला लौका, चालाक लोमड़ी कहीं का। ये तारीफ मैं स्वीकार कर लेता, लेकिन तुम दोष मुझे नहीं दे सकते। देवदार का बादाम। चिंटू, ये क्या हो रहा है? डब्लू डाल दो, फिर से। फिर से? Hey you. Oh yeah. क्या मजा आ रहा है? अरे वाह, लो फिर से चूका। अरे जाए। शुक्रिया चिंटू, नाचते अच्छा हो। तुमने उसे नचाया, अब मैं ध्यान कैसे दूंगा? बोलो। तो बस तुम्हारे लिए अपना समर्थन जता रहा था। तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? रुको, हिंसा हमारी समस्याओं का हल नहीं निकाल सकता, मुझे जाने दो। क्या कर रहे हो? मेरे पास सिर्फ 2 गोलियां बची हैं, मुझे ये करना होगा। मेरी बारी अब। सिर्फ 1 सेब बचा है। डब्लू को जीतने के लिए दोनों सेब को मारना होगा। ये तो आसान नहीं होगा। डब्लू जीतने के लिए आया है और वो जीतेगा। अगर डब्लू जीतेगा तो मुझे देवदार का बादाम मिलेगा, लेकिन शायद वो हारने वाला है। लखा ने कहा है कि अगर वो इस खेल में जीतेगा तो मुझे बादाम देगा, लेकिन मुझे नहीं लगता लखा पर भरोसा करना चाहिए। पर मेरे नाचने के जो बादाम बनते हैं, मैं वो लखा से मांग कर देखती हूँ। ये खेल भाई जीतूंगा। कमाल हो गया, ये आखिरी सेब है, समझ गया? जो भी सही निशाना लगाएगा वो ही जीतेगा। अभी मत कूदो, डब्लू को भी 1 मारना है, हालांकि लखा को 3 मारना है। तैयार। अगर 1 बार भी और चूक गया तो डब्लू हार जाएगा। लखा सुनो, मेरे नाचने के जो बादाम बनते हैं वो मुझे दे दो। आगे परेशान मत कर। डब्लू जीत गया। मैं अपना वादा निभाऊंगा। ये लो। हाँ, ये तो कमाल हो गया। दोस्तों आ जाओ, सब मिलकर बादाम खाते हैं। मैं गाँव वाला बादाम बर्बाद हो गया। लखा, हालांकि तुमने धोखा देने की कोशिश की, फिर भी हम सबको बहुत मजा आया। तो ये लो, तुम ये खास शहद थोड़ा ले सकते हो। सच में? खुशबू तो वाकई सही है। अरे यार, मैं ऐसे अपनी प्यारी मम्मी को भेज दूंगा।